दोस्तों आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। कई बार आप लोगों को IRCTC पेज लॉग आउट हो जाता है, तो कई बार आप लोगों को पेमेंट करते समय ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, और सीट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम तो आता ही है। तो लेकिन ये सारे प्रॉब्लम को देखते हुए रेलवे ने फिर से यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर दिया है, जिससे कि ये सब जितने भी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं काफ़ी हद तक आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे। तो सिंपल आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों सिंपल आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप प्ले स्टोर पर फिर से एक बार आपको सर्च करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में अपडेट आ चुका है। तो फाइनली आप लोगों को तत्काल टिकट करने से पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। यदि आप अपडेट करके करते हैं स्लीपर हो या फिर AC हो, तो आप लोगों को सीट अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम जो आ रहे थे, ये काफ़ी हद तक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया गया है। इसके बाद लॉग आउट की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है, और पेमेंट करते समय ट्रांजेक्शन फेल्ड होता था और पेटीएम से या फिर फ़ोनपे से हम करते थे तो फ्लीज वेट का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और इसके बाद हम रिव्यू जोनी डिटेल पर भी क्लिक करते थे तो वहाँ पर हमें 1-1 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट तक हमें प्लीज वेट का ऑप्शन देखने को मिल जाते थे, जिससे कि हम लोग तत्काल टिकट कन्फर्म बुक नहीं कर पाते थे। तो ये सब प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट कर दिया गया है। तो आप लोग इजीली तरीके से IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो एक बात और बता दो, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपडेट कर लेना है, और इसके बाद 1 से 2 नाम ही एक साथ बुक कीजिए, क्योंकि जिससे कि आप लोग काफ़ी फास्ट तत्काल टिकट बुक कर सकें, क्योंकि 3 से 4 नाम करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।